दोस्तों आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR Rooms में। तो आज मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ, पहले सारी चीज़ें बता दूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स क्या होते हैं पहले ही देखते ही आउट हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं वीडियो को छोड़ करके। तो देखिए पानी की समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि पानी का बोरिंग यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको पानी का बोरिंग है, वहाँ पर भी आपको कनेक्शन दिया गया है पानी का। हमारे द्वारा ये कुछ विला बनाए गए हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, जिसमें दो सोल्ड आउट है। और साथ ही मैं बता दूं यहाँ पर दो किचन आपको मिलने वाले हैं, 83 वर्ग गज में बना हुआ है। सारी ही सुविधाएं यहाँ पर आपको बहुत ही नीरेस्ट मिलने वाली है। अब बता देता हूँ ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है कालवा रोड पर, नारायण सिटी के अंदर। मेन रोड से अगर मैं बात करूँ तो मेन रोड से ज़्यादा नहीं, 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। पानी की सुविधा, सीवरेज की सुविधा। अब देखिए आप बोलेंगे सीवरेज कहाँ पर है, देखिए वो सीवरेज का वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और प्राइस यहाँ पर मैं आपको यहीं बता देता हूँ। और यहाँ पर जो बालकनी देखेंगे ना आप ऊपर से, रियली में दिल खुश हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दो मतलब एक रूम अलग से दिया गया है ऊपर की साइड में। और साथ ही ऑफ़र यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑफ़र मैं आपको बता दूँ, ऑफ़र जो है RO गीज़र चिमनी और एक AC बिल्डर की तरफ से आपको दिया जाएगा। प्राइस में चलो आपको अंदर ही बताऊँगा, थोड़ा सा जो है आप देखिए क्या 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 कुछ आपको मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए, कितने खूबसूरत तरीके का फ्रंट एलिवेशन है। बता दूं ईस्ट फेसिंग का मकान है, वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। तीन रूम्स अवेलेबल हैं, एक रूम नीचे चार रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, एक फ्रंट में एक बैक में। 4 BHK पूरा ही होने वाला है। ये सीवरेज का आपको देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सीवरेज का आपको पॉइंट मिल जाता है। अभी देखिए 4 BHK है और इतना अट्रैक्टिव प्राइस है, तो आपको और क्या कुछ चाहिए। ये देखिए फ्रंट में एक रूम है, बैक में एक रूम आ जाता है, ऊपर की साइड में दो रूम्स अवेलेबल हैं, साथ ही दो किचन्स हैं। और इतना कम प्राइस में अगर आपको मकान मिल रहा है ना, तो सिर्फ AR Rooms ही आपको प्रोवाइड करा सकता है ये चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे बड़ा सा पॉर्च एरिया आपको मिल जाता है। पॉर्च की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो आपको स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर पॉर्च का दिया गया है, जो कि 15x9 के साइज़ में आपको अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। आप अपनी टू व्हीलर्स चाहें तो टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, और या फिर चाहें तो आप इधर गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर आप जो है गमले वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में एक रूम है और यहीं पर आपको मिल जाता है इसका जो है यहाँ पर टैंक, वाटर टैंक प्रोविज़न आपको मिल रहा है। अगर पूरे ही साइज़ की पॉर्च की मैं बात करूँ तो 15x19 का साइज़ आपको मिल रहा है। यहाँ से स्टेयर्स बाहर से दी गई है, जो कि आपको उसके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के जाएगी। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं रेंट आउट करना तो इजीली रेंट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है वो सेपरेट है, नीचे का जो पोर्शन है वो सेपरेट है। तो आप आराम से रेंट आउट कर सकते हैं, 5,000 से 7,000 रुपये रेंट आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विंडो का प्रोविज़न बाहर से ही दिया गया है, जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी काम बाकी है तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अभी कैसा मतलब पेंट वगैरह और थोड़े फैंस वगैरह का काम है, थोड़े डोर्स वगैरह का काम है, तो वो चीज़ अभी बाकी है, तो वो चीज़ आपको करके दी जाएगी। अगर मैं हॉल के साइज़ की बात करूँ, 10x13 का साइज़ मिल रहा है। सामने की तरफ टेक्सचर डिज़ाइन आपको दिया गया है। अब प्राइस मैं बता देता हूँ आपको, प्राइस होने वाला है 28.5 लाख रुपये। 4 BHK 28.5 लाख रुपये में पानी भी मिल रहा है, सीवरेज भी मिल रहा है, मेन रोड से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ से आपको 24 नंबर बस, 32 नंबर बस, 7 नंबर बस, जो कि आपको मेन सिटी पर लेकर के जाती है। यहीं से अगर मैं बात करूँ, देखिए आप हो सकता है जयपुर से बाहर हो या फिर हो सकता है जयपुर के अंदर हो, लेकिन मेन सिटी के अंदर, मेन चार दरवाजे के अंदर मकान मिलना बहुत मुश्किल होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा बाहर की साइड अगर मकान ले रहा है 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो आने वाले समय में आपको 50 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है, अगर बिल्कुल सही समय है। अभी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही डाउन है और आपको मकान बहुत सस्ते मिल रहे हैं, पानी की सुविधा मिल रही है, तो बिल्कुल सही समय है। कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे। 28.5 लाख रुपये में ऑफर के साथ में 4 BHK मकान मिलना, वो भी 83 वर्ग गज में बना हुआ, तो और क्या चाहिए, कॉल कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरफ आपको जो है सूटकेस बना करके दिया गया है, ऊपर की तरफ POP वर्क आपको मिल रहा है, साथ ही इस तरफ एक किचन आ जाती है आपकी। और किचन की मैं साइज़ की अगर बात करूँ, तो किचन का जो साइज़ आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 6x8 का, और L शेप में किचन बना करके दी गई है। नीचे की साइड में ड्रॉर्स हैं, ऊपर भी आपको कैबिनेट्स हैं, पीछे की तरफ आपको मिल जाती है विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होता है। इस साइड में आपको मिल जाता है इसका सिंक का एरिया, बर्तन वगैरह बहुत ही ईजिली वॉश कर पाएंगे। और इस तरफ आ जाता है इसका एक बेडरूम, बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ, तो बेडरूम का साइज़ 9.5x13 का साइज़। अभी देखिए एक वॉल पे टेक्सचर होगा, पेंट होना बाकी है, रॉयल टेक्सचर आपको करके दिया जाएगा। ऊपर की तरफ POP वर्क है,
और इस तरफ आपको पूरी ही वॉल पे आपको जो है वार्डरोब बना करके दी जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट्स वगैरह निकाल करके दे दिए गए हैं, तो वो चीज़ आपको निकाल करके दी जाएगी। ये कॉमन प्लस अटैच बाथरूम है, जो कि इसका एंट्रेंस हॉल से भी है और इसका एंट्रेंस इस रूम से भी है, वो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा एक बार। लेकिन इसका एक बार बैकयार्ड का एरिया देख लीजिए, ओटीएस स्पेस देख लीजिए, क्योंकि हर घर के अंदर वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरफ विंडो का प्रोविज़न जहाँ से सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। ये आ गया इसका बैकयार्ड का एरिया। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ आपको जो है लगभग यहाँ पर मिल जाता है 5x5 का साइज़। स्पेसेस स्टैंडर्ड साइज है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे वहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट आपको मिल रहा है, तो दिन के समय में बड़ी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए बिजली बचती है तो किसे अच्छा नहीं लगता, बिजली बच रही है मतलब पैसा बच रहा है, और इस समय पे पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम। देखिए साइज़ अच्छा है, लेंथ वाइज आप देखेंगे स्टैंडर्ड साइज़ आपको मिल जाता है। इस तरफ वेस्टर्न शीट लगा करके दी जाएगी। साथ ही अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 4x10 का साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है, और वेंटिलेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल रहा है क्योंकि वॉल पे एक पाइप आपको निकाल करके दिया गया है। अभी हम लोग आ गए हैं इसके फ्रंट रूम की तरफ, जो कि इसका सेकंड बेडरूम है। बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ 9x13 का साइज़ फिर से स्टैंडर्ड साइज़ आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको टेक्सचर डिज़ाइन है, जैसे ये टेक्सचर है जिस वॉल पे बाकी है, कुछ इस तरीके का रॉयल टेक्सचर आपको करके दिया जाएगा। और ऊपर की तरफ पीओपी वर्क आप देख रहे हैं, और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर इस तरफ आपको वार्डरोब मिल रही है। देखिए दो रूम्स के साथ में आपको अटैच वार्डरोब मिल चुके हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। जहाँ पर भी आपको एसी के सेपरेट पॉइंट की जरूरत है वहाँ पर सभी जगहों पर एसी के सेपरेट पॉइंट आपको अवेलेबल होंगे। इस तरफ आपको मिल जाती है बड़ी सी विंडो जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होता रहेगा। ईस्ट फेसिंग का ये मकान है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और मात्र 28.5 लाख रुपये में आपको 83 वर्ग गज में बना हुआ बैक डेट के पट्टे के साथ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर ऐसा मकान मिल जाता है, अगर आपने कहीं देखा है ऐसा मकान तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट कीजिएगा। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो चाहते हैं कुछ इस तरीके का मकान लेना। हम चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छा एक मकान प्रोवाइड कराना, लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए होने के बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना तो बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन को नहीं दबाया होगा आपने इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ ज़रूरी है, आप बेल आइकन दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर विंडो का प्रोविज़न आपको मिल रहा है। ये एंटर हो जाते हैं हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पर। साइज़ 10x13 का ऑल साइज़, लिविंग या डाइनिंग एरिया दोनों में से एक कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। इस तरफ आपको टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस रूम में, एक रूम के अंदर रह गया इसका, और उस रूम में भी शायद टेक्सचर कर रखा है, और इसमें भी टेक्सचर है, उसमें कहना बाकी है। जैसे इसमें आपको प्रॉपर उजाला दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। ऊपर आप देखेंगे ऊपर भी आपको पीओपी वर्क के साथ में टेक्सचर डिज़ाइन है। इस वॉल पे भी आपको जो है टेक्सचर डिज़ाइन प्लस बीच में जो है शोकेस बना करके दिया गया है। इस तरफ में आ जाती है आपकी किचन, जो कि नीचे की साइड में भी आपको अवेलेबल थी, और साइज़ 6x8 का, और इस तरफ एल शेप में आपको बना करके दी गई है रसोई। यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे आपको जो है वाटर्स, नीचे की तरफ भी वाटर्स, पीछे की तरफ आपको मिल जाता है इसका जो है विंडो का प्रोविज़न। ये इसका जो है यहाँ पर आ जाता है बाथरूम। नीचे वाले में आपको दिया गया था कॉमन प्लस अटैच, लेकिन ये कॉमन है। यहाँ पर आपको इंडियन शीट लगा करके दी गई है। शावर एरिया आपको जो है इस तरफ में बना करके दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 4x9 का जो है साइज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अभी हम जा रहे हैं इसके थर्ड बेडरूम की ओर, और यहाँ पर भी आपको वाटर्स अवेलेबल है, और एज इट इज़ साइज़ जैसे नीचे था 9.5x13 का, एज इट इज़ साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है टेक्सचर करके दिया जाएगा, ऊपर की साइड पे भी आपको टेक्सचर करके दिया जाएगा। और इस तरफ आपको मिल जाती है बड़ी सी वार्डरोब, जहाँ पर अभी जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट्स अभी लग चुके हैं, अभी इसका गेट लगना बाकी है, वो चीज़ आपको लगा करके दी जाएगी। रूम के साथ में एसी का पॉइंट आपको मिल रहा है, साथ ही इस तरफ आपको बड़ी सी विंडो और बैकयार्ड का एरिया यहाँ पर एज इट इज़ जैसे कि तरह नीचे की तरफ आपको प्रोवाइड कराया गया था। प्राइस मैं बता चुका हूँ 28.5 लाख रुपये, मात्र 4 यूनिट्स अवेलेबल है। जल्दी कॉल कीजिएगा, इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ बहुत जल्दी सोल्ड आउट होती है। अभी वैसे भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज़ के प्राइस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रॉपर्टी सेल आउट भी हो रही है। अभी फिर से हम लोग आगे हैं उसके जो है फोर्थ बेडरूम की ओर। सामने की तरफ आपको देख रहे हैं रॉयल टेक्सचर करके दिया गया है इस रूम के साथ में, मतलब चारों ही रूम के साथ में आपको जो है अटैच वार्डरोब मिल रही है, जो कि सबसे अच्छी एक चीज़ है। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी सी वार्डरोब आपको अवेलेबल हो रही है, और ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पर पीओपी वर्क के साथ में आपको टेक्सचर करके दिया गया है। एसी का पॉइंट यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। ये आ जाता है इसका विंडो का प्रोविज़न। अभी देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं एक चीज़ आपको और दिखाने जा रहा हूँ। चार रूम्स तो आपने देख ही लिए, दो हॉल्स देख लिए, दो बाथरूम्स देख लिए, दो किचन्स देख ली, सारी ही चीज़ें आपने देखी, मगर एक चीज़ जो यहाँ पर आपको सबसे
बढ़िया चीज़ दी गई है, क्योंकि शाम के समय सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होना चाहती है, या तो हॉल में या फिर जहाँ पर एक अच्छी हवा आ रही हो और वहाँ पर बैठ करके बात कर सकें, तो वो एक अच्छी जगह होती है, एक बालकनी। तो बालकनी आप देखिए, अगर आपके घर में 10 लोग भी हैं, 11 लोग भी हैं, 12 लोग भी हैं, तो इतने बड़े स्टैंडर्ड साइज़ के साथ में आप, अभी तक आपने 83 वर्ग गज में ऐसी बालकनी नहीं देखी होगी जैसे यहाँ पर मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। और साइज़ जो है ना, मतलब रियली में साइज़ बहुत अच्छा है। ऊपर की तरफ देखेंगे POP वर्क यहाँ पर आपको मिल रहा है, साथ ही AC का पॉइंट भी यहाँ पर आपको जो है आउटर का दिया गया है। 10x14 का साइज़ यहाँ पर देखिए, एक रूम का साइज़ होता है इतना, जितना रूम आपको, रूम का साइज़ आपको बालकनी में प्रोवाइड कराया गया है। आसपास देखेंगे बहुत ही पीसफुल आपको जगह है, शांति भरा माहौल है। सामने की तरफ प्लॉट्स हैं जो कि वेस्ट फेसिंग के हैं, उस साइड में भी आप देखेंगे वहाँ पर मकान बने हुए हैं। और मेन रोड से अगर बात करूँ, यहाँ से मेन रोड आती है, यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो रखा है, वो मेन रोड वहाँ पर देखिए 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही है। ऐसी प्रॉपर्टी मतलब 100 में से एक ऐसी प्रॉपर्टी निकलती है जो इस रेट में होती है, जो लोगों के बजट में होती है और एक अच्छी लोकेशन पर होती है जहाँ पर पानी सबरेज सारी ही सुविधाएं होती हैं, और वो भी इतनी सस्ते प्राइस में। तो जल्दी कॉल कीजिए, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आप एक आर्किटेक्ट को ढूंढ रहे हैं तो JKS आर्किटेक्ट, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।